जितने भी मेहमान आए हुए एमपीए साहब जो भी है, मैं सियासत तो इसमें पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सब ने बहुत अच्छी बातें की है। मैं एक साल पहले इस एकेडमी के ओपनिंग के लिए भी आया था, तो अभी तक इधर कोई काम नहीं हुआ है सर। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बातें सब करते हैं, हमारे इलाके में भी बातें करते हैं, जब एमपीए एमएनए बन जाता है कोई किसी के आता नहीं है। तो मेरा आप सबसे छोटा भाई जो भी आप समझते हो रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चों के लिए आप इधर कुछ कर सकते हो तो अल्लाह करे आप जीत जाए इधर से। आप जो भी आप एमएनए एमपीए सीट से आप लड़े हो, और मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ है जो भी आप इधर जिस सीट पे हो। तो अगर आप इंशाल्लाह बन जाए एमपीए एमएनए, स्पेशली आप जो पहले बात की है सफीर भाई, अगर अल्लाह करे आप जीत जाओ तो इस जितने भी छोटे बच्चे टेनिस बॉल में सारे बड़े खेलते हैं, जो बाहर बैठते हैं छोटे बच्चे, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम भी खेलें। मैं खुद एक गरीब घराने से ताल्लुक रखा, मुझे जितनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिले मलिक साहब ने किया, मेरा जो इधर इधर टीचर है मनोहर भाई, मैं 5-6 साल उनके साथ मैंने काम किया, मेरा टीचर है, मैं सब जगह कहता हूँ। जैसे एक भाई ने बोला कि वकार साहब वो मेरा स्कूल में टीचर था, वो उसकी बात भी ठीक है, लेकिन जितना भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया इधर तक लेके आया, मेरे 16-17 साल जो करियर है वो मलिक साहब है, मलिक फरमान लाला, इनके साथ मेरे 12 साल से क्रिकेट स्टार्ट की, मेरी 29 साल उम्र है, जब मेरे साथ पैसे भी नहीं होते थे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। तो इन बच्चों की आपको जरूरत है, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, एकेडमी जिस तरह ओपन हुई थी आई थिंक उसी तरह है। तो आप जितना अल्लाह करे आप जीत जाओ, और इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आप लोग करोगे तो इंशाल्लाह ये आगे आएंगे। और मैंने पहले भी इधर वादा किया था कि जब मैं आऊंगा कोई और टेस्ट क्रिकेट भी लेके आऊंगा। तो आप मीडिया की तरफ से मुझे कोई अभी तक कोई टैक्स वगैरह आया ही नहीं है, जो मनोहर भाई की है कि मैं आया हूँ, अगर मुझे इधर से थोड़ी बहुत ये इसकी वीडियोस वगैरह आती, अगर मैं ग्राउंड किसी को दिखाता कि इधर कोई अच्छा सा काम हुआ है, तो बिल्कुल मैं मेरा ये आपसे फिर भी वादा है, मैं और क्रिकेटर को भी लेके आऊंगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि आज जो टीम दोनों के लिए मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल मुझे बताया गया कि इधर जाना है, तो उस तरह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, सबको जितने भी बड़े आए हुए रेस्पेक्ट मैं सॉरी करता हूँ, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, मैंने मैच नहीं देखा, जो जीता है हारा है तो क्रिकेट का गेम है। तो बाकी बातें फरमान लगा करेगी, इतनी बातें मुझे आती नहीं है, और सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू।